एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दी क्लास 'च। अज आपां करन जा रहे हां क्लास 12th पंजाब स्कूल एजुकेशन दी किताब वेलकम लाइफ ते उहदा सैकेंड चैप्टर जो कि है सोशल वैल्यूज, उहदा पार्ट 2 लव एंड रिस्पैक्ट फॉर द स्कूल, यानी समाजिक मूल दे विच आपां पढ़ांगे स्कूल लई प्यार ते सत्कार दा। चलो शुरू करदे हां। लव एंड रिस्पैक्ट फॉर द स्कूल, इस चैप्टर दे विच उद्देश की ने की आपां पढ़ना ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्कूल्स एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल ते होर संस्थावां जिथे सानू विद्या मिलदी है उहनां दा की कंट्रीब्यूशन हैगा, उह की योगदान दिंदे ने, उस चीज नूं समझना। 2, आउटलाइन द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन द होलिस्टिक डिवेलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। संपूर्ण रूप विच स्कूल अते अध्यापक दी भूमिका की हुंदी है साडे जीवन दे विच विद्यार्थियां नूं तरक्की ते लैके जाण दे लई, उस गलबात ते चर्चा करना। 3, टू इवैल्यूएट द स्कूल्स परफॉर्मेंस इन अ मल्टी फैसिटेड मैनर। कहन दा भाव स्कूल दी कारगुजारी जो सहयोग स्कूल तो मिलदा हैगा उसका बहुपक्षी ढंग दे नाल इवैल्यूएशन करना, उन्हों समझना हर पक्ष तो। मल्टी फैसिटेड दा मतलब हर पक्ष तो। शुरू करते हैं। स्कूल इज अ सेक्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग दैट डिटरमाइंस द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। कहन दा भाव स्कूल सिक्ख्या दा एक पवित्र स्थान है जो बच्चियां दा फ्यूचर जेड़ा है वो डिटरमाइन करदा है, वो दसदा हैगा। स्कूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन अ चाइल्ड्स लाइफ। स्कूल बच्चे दे जीवन विच एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था हैगी है। आफ्टर होम स्कूल इज द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड इज स्पेंट। घर तो बाद स्कूल ही वो थां है जिथे बचपन का ज्यादातर समा बिताया जाता है या बीतता है। द स्कूल इटसेल्फ मेक्स द चाइल्ड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी बाय इंस्टिलिंग इन हिम क्वालिटीज लाइक डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड लिविंग स्किल्स। स्कूल ही बच्चे विच अनुशासन, सहयोग अते रहन सहन दे गुण पैदा करता है ताकि जेड़ा बच्चा है वो समाज दा एक जिम्मेवार नागरिक बन जाए। द स्कूल शेप्स द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी टू मेक हिम और हर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। स्कूल ही बच्चे नूं जिम्मेदार व्यक्ति बनाउण दे लई उसकी शख्सियत दा आकार भी दिंदा है या शख्सियत नूं आकार दिंदा है। द स्कूल हैज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग द चाइल्ड टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ। बच्चे नूं जीवन विच उच्ची उचाइयां हासिल करन विच स्कूल दा बहुत वड्डा योगदान हुंदा है। इफ द रूट्स ऑफ अ ट्री आर स्ट्रोंग इट इज नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग अपरूटेड। जेकर रुख दियां जड़ां मजबूत होण तां उसनूं पट्टे जाण या हवा करके बाहर निकलण दा कोई डर नहीं ना हुंदा। इन द सेम वे स्कूल स्ट्रेंथन्स एंड एम्पावर्स स्टूडेंट्स। इसे तरह स्कूल विद्यार्थियों नूं मजबूत ते शक्ति दिंदा है। ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लव स्कूल और लव इट लेस। हालांकि एक गल हैगी है भी बहुत सारे बच्चियां नूं स्कूल नाल प्यार नहीं हुंदा या घट प्यार हुंदा हैगा, येट दे ऑलवेज रिमेंबर देयर स्कूल विद अ सेंस ऑफ प्राइड। बेशक प्यार घट होए या ना होए पर फिर भी ओह अपने स्कूल नूं माण दी भावना नाल याद करदे हन एंड डिस्कस अबाउट इट व्हेनेवर दे हैपन टू मीट देयर पीयर्स। ते जदों भी ओह अपने साथियों नूं मिलदे हन तां इस बारे चर्चा करदे ही करदे ने ते बड़े मान नाल करदे ने। ऑल्दो द स्कूल इज अ कॉमन इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल। हालांकि स्कूल सारियां लई इक सांझी संस्था है। We all address or talk about our school using my expression my school. हालांकि जेड़ा स्कूल हैगा वो सारियां लई एक सांझी संस्था है पर असी ज्यादा अपने स्कूल बारे गल करदे आ तां असी कहिंदे आ मेरा स्कूल। The word my reflects one's deep and strong love for school. ते जद आपां माए वर्ड यूज इस्तेमाल करते हैं, मेरा शब्द इस्तेमाल करते हैं स्कूल दे लई, एक किसे डूंगे ते मजबूत प्यार नूं दर्शाउंदा है जो कि साडा हुंदा है साडे स्कूल नाल।
अगे चलते हैं, इतने रोल प्ले दिता हुआ है, यानी अलग अलग बच्चे अलग अलग रोल्स चक सकते ने। दिस एक्टिविटी इज अ रोल प्ले, एक गतिविधि एक रोल प्ले है। टीचर्स विल प्रिपेयर देयर स्टूडेंट्स फॉर द रेलेवेंट रोल प्ले पार्टिसिपेशन। बच्चों को तैयार किया जाएगा अध्यापक द्वारा भी केड़ा रोल प्ले वो करेंगे, एंड स्टूडेंट्स विल प्ले देयर रिस्पेक्टिव रोल्स अकॉर्डिंगली। तो उस तो बाद बच्चे भी उस अनुसार अपना या अपनी भूमिका निभाएंगे। द टीचर्स कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस एक्टिविटी। तो इस गतिविधि विच अध्यापक भी हिस्सा ले सकते हैं। रोल प्ले एलमनाई मीट, कहने का मतलब जब स्कूल तो पास आउट जिहड़े बच्चे हो जाते हैं वो आपस में मिलते हैं तो की गलबात करते हैं स्टूडेंट। वॉट इज एलमनाई मीट? सर ये एलमनाई मीट की होंगे? टीचर, दोज ऑफ यू हु नो द आंसर प्लीज रेज योर हैंड्स। जिन्होंने इस गल का जवाब पता है वो अपना हाथ खड़ा करन। मेनी चिल्ड्रन रेज देयर हैंड्स। द टीचर आस्क्स अ स्टूडेंट टू स्पीक। बहुत बच्चे अपना हाथ खड़ा करते हैं तो अध्यापक एक बच्चे नू पूछते हैं भी तुसी दसो की जवाब है। स्टूडेंट, एलमनाई मीट इज अ गेट टूगेदर ऑफ पास्ट आउट स्टूडेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ते वो जवाब देंदा है भी एलमनाई मीट जिहड़ी है एक अजिही मीटिंग हुंदी है, गेट टूगेदर हुंदी है जिहदे विच जिहड़े बच्चे स्कूल तो पास कर चुके ने वो आके मिलते ने एक दूजे नू। टीचर कहंदे ने वेल डन, बहुत खूब। अनदर स्टूडेंट, सर वी ऑल नो वॉट एन एलमनाई मीट इज बिकॉज वी हैड एन एलमनाई मीट इन आर स्कूल लास्ट वीक। एक होर बच्चा कहंदा है भी सानू सारिया नू पता है की हुंदा है क्योंकि पिछले हफ्ते ही होके हटिया है। पॉइंटिंग टू द स्टूडेंट हु हैड क्वेश्चन द टीचर। ते ये गल उहने इस बच्चे वाल इशारा करते हुए कही जिसने पूछया सी भी ये की हुंदा है। ही वॉज ऑन लीव दैट डे, क्योंकि ये बच्चा जेड़ा पूछ रहा है की हुंदा है यह उस दिन छुट्टी ते सी। अनदर स्टूडेंट, सर दैट डे ड्यूरिंग योर स्पीच, ये अलग अलग है, ऑन स्टेज You said that there were about 120 personalities who visited our school that day. ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 120 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। These included DIG, DC, SSP, BDPO, etc. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ? DIG ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। DIG ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DC। DC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੈਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP, SSP ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BDPO। ਹੁਣ ਇਹ BDPO ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲੌਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ BDO ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। There were officers, employees, lawyers, lecturers, masters, and many other people from various fields. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ? ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀਗੇ ਨੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ। There were many successful traders and farmers too. ते उस दे विच बहुत सारे सफल व्यापारी भी सी ते किसान भी सी। Student, sir, have they all studied here? ते एक बच्चा पूछता है, विद्यार्थी पूछता है, सर कि वो सारे इत्थे पढ़े ने? Teacher, yes kids, I said on stage वक वक है that day that all these people were the students of this school. ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਸਨ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਕੂਲ। ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸਟੱਡੀਡ ਹੇਅਰ
फ्रॉम 6 to 10। मैं भी इसे स्कूल दे विच पढ़ी हाँ, 6वीं क्लास तो लेके 10वीं तक। स्टूडेंट: सर, डिड दे ऑल कम टू सी देयर स्कूल? एक विद्यार्थी पूछता है कि की ये सारे अपना स्कूल देखने आए सी? टीचर: यस सन, हाँ बेटा। इट इज द लव ऑफ द एक्स स्टूडेंट्स फॉर देयर स्कूल दैट ड्रॉज देम हियर। एहे स्कूल दे लई जेडे एक्स विद्यार्थी ने, यानी जो पास आउट हो चुके ने, उन्हां दा प्यार हैगा जो उन्हां नूं अपने स्कूल वल खिंच ले आंदा है। मैनी पीपल वॉन्ट टू विजिट देयर स्कूल बट इट इज नॉट पॉसिबल। उन्हां दी तरह बहुत सारे लोग अपना स्कूल का दौरा करना चाहते ने, पर यह संभव नहीं होता कई बार। वी हैव बीन कंडक्टिंग अलमनाई मीट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स विद द सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑफ आर पार्टनर्स। असी पिछले 4 सालों तो लगातार यह जी मीटिंग करवा रहे ने अपने स्कूल दे विच। क्यों? क्योंकि सानू सपोर्ट मिल रही हैगी है, यानी समर्थन मिल रहा है, ते सानू उत्साह मिल रहा है साडे पार्टनर्स तो जो कि आयोजक हैगे ने। The number of visitors is increasing every year. ते हर साल जो लोग साडे स्कूल आंदे ने उना दा गिनती, उना दा नंबर वधदा जा रहा है। It is a matter of great pride for our school. ते एहे साडे स्कूल लई बहुत माण दी गल हैगी है। एने नू एक होर बच्चा पुछदा है, सर, can I tell you something funny? कि सर मैं थोनों कुछ मजाकिया गल दस सकता? ते टीचर कहंदे ने, हाँ दसो, yes tell me. ते बच्चा कहंदा, सर, आफ्टर द फंक्शन वॉज ओवर मैनी ऑफ देम हैड गॉन टू द स्कूल ग्राउंड। कि सर फंक्शन खत्म होने तो बाद ये जिहड़ियां शख्सियतां आईयां सी, इन्हां विचों बहुत सारे स्कूल दे मैदान विच चले गए सी। देयर दे वर चैटिंग एंड हैविंग फन लाइक लिटल चिल्ड्रन। ते उत्थे जाके वो छोटे बच्चियां वांग गल्ला कर रहे सी ते मस्ती कर रहे सी। Pointing at different parts of the playground, they were recalling the past memories. मतलब कि ओहो ग्राउंड दे वक्वक हिस्सियां वाल इशारा कर दे होए पिछलियां यादानु याद कर रहे सन। And telling one another where they used to play गुली डंडा, खो खो etc. ते एक दूजे नु दस रहे सी भी ओहो गुली डंडा, खो खो कित्थे खेड दे सी। One of them reminded others how they were caught red-handed by the teacher while playing marbles in the ground during class hours. ते उना विच्चो इक ने दुजिया नू याद करवाया भी किवें ओ क्लास दे समय या क्लास दे दौरान ग्राउंड दे विच आके मार्बल्स या फिर आपा कह सकते हैं बंटिया नाल खेड रहे सी। Everyone laughed and enjoyed the cheerful conversation. हर किसे नू एहे गलबात करदे होए बहुत मजा आ रहा सी, आनंद आ रहा सी, आपस विच खिल खिड़ के हस रहे सी। टीचर: सन, why wouldn't they be happy? बेटा, वो खुश क्यों नहीं होंगे? They had spent 5 years of their childhood here. उन्होंने अपने बचपन दे 5 साल इत्थे गुजारे ने, तां वो खुश क्यों नहीं होंगे? Their visit to this school was like a trip down the sweet memory lanes of their childhood days. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। These are the memories that keep the love for one school alive. ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। Children, I forgot to mention something. बच्चियो, मैं कुछ जिक्र करना भूल गई, दसना भूल गई। It was decided on that day that all the members who had come here would collect money among themselves and donate the amount to the school for the construction of a theater-like hall, that too before the next alumni meet. बच्चों, में एक गल दसना भूल गई सी भी उस दिन ए फैसला किता गया सी भी उत्थे जिन्ने भी मेंबर आए सन वो आपस विच पैसे इकट्ठे करनगे अते वो पैसे डोनेट कर देंगे, दान कर देंगे स्कूल नू, ताकि स्कूल दे विच एक थिएटर हॉल बनाया जा सके,
ये पैसे कब तक इकट्ठे होंगे? अगली मीटिंग तो पहला। वंस द थिएटर इज रेडी द फर्स्ट फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द हॉल विल बी द अलमनाई मीट। ते एक बार जब वो थिएटर तैयार हो गया बन गया तो जेडी पहली सब तो उथे मीटिंग होएगी ओह ओना दी ही मीटिंग होएगी अलमनाई मीट होएगी। देन द हॉल विल बी हैंडेड ओवर टू द स्कूल। वो आके उथे बैठेंगे मीटिंग होएगी ते फिर ओह स्कूल नु दे दित्ता जाएगा सांभण दे लई या सौंप दित्ता जाएगा। Apart from this, an open gym will also be provided by them to the school. ते उना वल्लों इस थिएटर दे लई पैसे इकट्ठे करन तो इलावा उना वल्लों स्कूल नू एक ओपन जिम भी रवैया कराया जाएगा या दिता जाएगा। All the children let out a cheer. सारे बच्चे खुशी मना रहे सी। Sir, that's great. इथे आएगा एक स्टूडेंट की कहंदा है student ओदा डायलॉग है। That's great. We'll conduct plays in the theater. भी ये ता बहुत बढ़िया है गया। असी थिएटर विच नाटक दा आयोजन करांगे। They have done a great job. उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है सोच के। Teacher, kids, a great job indeed. भी हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम है गया सचमुच। All of them have been nurtured by the school. इना सारियां दा पालन पोषण इस स्कूल ने कीता है। That is why they all love it. इसे लिए वो सारे इसमें बहुत प्यार कर देने। I had heard them say, school is our second home, the source of our progress. ते मैं उनानु एक एंदे सुनिया सी भी स्कूल जड़ा है वो साड़ा दूजा कर है गए। साड़ी तरक्की दा एक बहुत जरूरी सोर्स है गया जिथों साड़ी तरक्की हुई। क्यों? क्योंकि सानू उथों बहुत सिखण नू मिले। ते वधिया सी ना प्ले। चलो हुण आपां वर्कशीट दे कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करदे हां। द फॉलोइंग वर्कशीट विल बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रोल प्ले। उपरोक्त जिहड़ा रोल प्ले सी उहदे हिसाब नाल इन्हां सवालां दे आपां जवाब देने ने। मैं हर प्रकार दे आंसर दवांगी ताकि तुसीं उहनूं छोटा करके भी लिख सको ते वड्डा आए तां उवें ही लिख दो। पहला सवाल हैगा, डू यू लव योर स्कूल? कि तुसी अपने स्कूल नू प्यार करते हो? ते मैं इत्थे आंसर लिखिया, यस आई लव माय स्कूल वेरी मच। मैं अपने स्कूल नू बहुत प्यार करदा हां या करदी हां। क्यों करदे हो? एदा जवाब दिता है, दिस इज बिकॉज इट हैज वेरी गुड टीचर्स हु एनलाइटन मी ईच डे विद अ लॉट ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि इत्थे बहुत चंगे अध्यापक हैं जो हर रोज मैनू बहुत सारा ज्ञान दिंदे ने। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर वेरी काइंड स्वीट एंड हेल्पफुल। टीचरों तो इलावा मेरे इत्थे बहुत सारे दोस्त हैगे ने जो बहुत ज़्यादा काइंड हैगे ने, बहुत ज़्यादा प्यारे हैगे ने ते बहुत ज़्यादा मदद भी करते ने। द एक्टिविटीज सच एज थिएटर, ड्रामा, एलोक्यूशन एंड डांस आर वेरी इंगेजिंग। कहने का मतलब इतने जो जो एक्टिविटीज कराई जाए ने, गतिविधियां कराई जाने ने, वो बहुत दिलचस्प होंदिया ने। केड़िया केड़िया? जिमें थिएटर हो गया या ड्रामा हो गया। एलोकेशन का मतलब आप कहें भाषण देना। वी हैव रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस विच इंश्योर्स दैट ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी फिट। पढ़ाई भी हो गई, दोस्ती भी हो गई, होर एक्टिविटीज भी हो गई, पर इस तो इलावा साडे कोल फिजिकल एजुकेशन दिया भी क्लासा हैगिया ने जो कि ये जिम्मेदारियां लेंदिया ने भी असी फिट रहिए ते वधिया पढ़ सकिए। अगला, डू यू टेक केयर ऑफ द स्कूल प्रॉपर्टी? की तुसी स्कूल दी जिहड़ी प्रॉपर्टी हैगी है या स्कूल दी जिहड़ियां चीजा हैगिया ने उहदी देखभाल करदे हो या तोड़ दिंदे हो? आंसर लिखिए, यस आई टेक केयर ऑफ द स्कूल प्रॉपर्टी। भी हाँ, मैं स्कूल दी चीजां दी देखभाल करदा हाँ या करदी हाँ। आई मेक श्योर दैट नोबडी स्क्रिबल्स ऑन द स्कूल वॉल्स। मैं पक्का करदी हाँ भी कोई भी लाइना ना मारे, कोई तबाह ना करे स्कूल दियाँ दीवारा ते पेंसिल दे नाल या होर किसी चीज नाल। I also make sure that my friends do not break windows and fans. ते कोई तोड़फोड़ ना करे मेरे दोस्तां विच्चों, बेशक विंडोज होन या पक्खे होन। I switch off the lights and fans after every class. ते मैं बिजली भी नहीं वेस्ट कर दी
या करदा बिजली बचाउन दे लई हर क्लास तो बाद मैं पक्खे दे लाइटा बंद कर देनी है। अगला, डू यू थिंक दैट द स्कूल हैज गिवन अस अ लॉट? कि तुसी सोचते हो भी स्कूल ने सानू बहुत कुछ दिता है? मैं आंसर लिखी है, वी लर्न अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इन स्कूल सच एज इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या सोशल स्टडी, साइंस एक्सेट्रा। असी स्कूल दे विच कई तरह के विषय सीखते हैं, जिवें कि अंग्रेजी हो गया, हिंदी, गणित, सामाजिक ज्ञान हो गया या साइंस हो गया। दीज सब्जेक्ट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड आर कल्चर एंड ट्रेडिशन इन अ बैटर वे। ते ये जिहड़े सब्जेक्ट्स हैगे ने, ये सानू साडा जिहड़ा कल्चर हैगा या साडे जिहड़े ट्रेडिशन हैगे ने उहनां नू समझण दे विच, बेहतर तरीके नाल समझण दे विच मदद करदे ने। दीज सब्जेक्ट्स टीच अस द इंपोर्टेंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ते इस तो इलावा ये जिहड़े सब्जेक्ट्स हैगे ने, ये टेक्नोलॉजी बारे सानू जानकारी भी दिंदे ने ते ओनू किवें यूज करीदा है, ओहदी की महत्वता हैगी है, ये भी दसदे ने। अपार्ट फ्रॉम दैट, टीचर्स प्ले अ मेजर रोल इन एवरी स्टूडेंट्स लाइफ। इस सब तो इलावा विद्यार्थी दे जीवन विच जिहड़े अध्यापक हैगे ने, वो एक प्रमुख भूमिका निभाउंदे ने। दे मेक अस अ बेटर पर्सन, ओहो सानू एक बेहतर इंसान बनाउंदे ने। Therefore, I strongly believe that school molds the foundation of a child. ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨ ਯੂ ਅਟੇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਯੂ ਡੋਨੇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਯੈਸ, ਵੈਨ ਆਈ ਅਟੇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਵਿਲ, ਡੋਨੇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। वन मे हेल्प द स्कूल इन द फॉलोइंग वेज। हुण आपां वैसे भी किवें मदद कर सकते हैं, जे नहीं भी कुते पहुंचे तां इक तां मोनेटरी वेज दे नाल, पैसे दे नाल, अपनी किताबां डोनेट करके, डोनेट बुक्स, डोनेट फंड्स फॉर वीकर स्टूडेंट्स, जिहड़े बच्चे पैसे नहीं भर सकते उहनां दे फीस भर दो। डोनेट आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड इन द स्कूल, घरे कई चीजां पईयां हुंदियां ने जो स्कूल दे विच इस्तेमाल हो सकदियां ने। डोनेट गेम्स फॉर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, खेडां जिहड़ियां घरे पईयां हुंदियां ने ओह वी दित्तियां जा सकदियां ने। डोनेट बुक्स फॉर द लाइब्रेरी सैशंस, लाइब्रेरी दे लई भी तुसीं किताबां डोनेट कर सकदे हो, दान च दे सकदे हो। आई वुड ईदर हेल्प इन मोनेटरी बेस और डोनेट थिंग्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन यूज इट फॉर फ्री। जब मैनूं पैसे लग जाणगे तां मैं पैसे दी मदद कर सकदी हाँ, या तां पैसे दे सकदी हाँ या चीजां दा दान कर सकदी हां, ताकि बच्चे उसका इस्तेमाल कर सकन मुफ्त दे विच। आई वुड पर्सनली लाइक टू डोनेट बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। मैनू एवें लगता है भी मैं ज्यादा पक्ष इस चीज़ का लवांगी भी मैं लाइब्रेरी लई किताबां डोनेट कर सका। क्यों? सो दैट एवरी वन कैन रीड अ न्यू बुक एवरी डे, ताकि हर किसी नू रोज नवा नवा ज्ञान मिले नवी नवी किताबां पढ़ के। अगे चलते हैं, द स्कूल प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ? स्कूल जिहड़ा हैगा हर बच्चे की जिंदगी विच एक अहम भूमिका निभाउंदा है, वह किवें निभाउंदा है? इत्थे मैं लिखिया है, द स्कूल प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। जी हाँ, बहुत जरूरी ते अहम भूमिका निभाउंदा है स्कूल। टूडेज चिल्ड्रन आर टूमोरोज फ्यूचर लीडर्स। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅ ਸਕੂਲਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਗਾਉਣ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੀਚ
teaches the child valuable lessons in terms of knowledge, growth and development. ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The school teaches students how to be social and communicate with a variety of people. ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਟੀਚਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਸਿਵਿਕਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਐਂਡ ਬੀ ਅ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈਏ। ਇਟ ਮੋਲਡਸ ਦ ਵੇ ਅ ਚਾਈਲਡ ਥਿੰਕਸ, ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੇਪਸ ਦ ਚਾਈਲਡਸ ਮਾਈਂਡ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਨਕਰੇਜਸ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਮਾਈ ਸਕੂਲ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸਕੂਲ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਈ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I have the impression that they would go to whatever length to ensure that students excel. Mainu eh lagda hai ki mere jehde teacher hege ne oh kise had tak vi ja sakde ne, sirf oh eh dekhna chahnde ne ki bacche jehde ne oh tarakki karan. My teachers are always available to me, mere adhyapak hamesha mere layi maujood rehnde ne. Again, I like knowing that someone is looking out for me at all times. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। I can trust my teachers, staff, faculty and my friends. ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ, when I grow up I will become a, ਜਦ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਟੀਚਰ। ਕਿਉਂ? ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਦ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਟੀਚਰਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੀਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇਅਰ ਨੌਲੇਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦੈਮ ਗਰੋ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨੋਬਲ ਫੀਲਿੰਗ ਫੋਰ ਅ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ, ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਫੋਰ ਮੀ, my school is like a second home for me, jivein dooja ghar hunda hai mere layi mera school ohi hega. The children form bonds with their surrounding and the school becomes their second home. Jivein bacche hege ne oh rishta bana lende ne apne aale dwale diyan cheezan de naal, ohve hi unna da school de naal vi rishta ik gehra rishta hunda hai ki oh usnu apna dooja ghar manna shuru karde ne. They treat their classmates as if they were relatives. ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਹਿਪਾਠੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵਨ ਸਪੈਂਡਸ ਦ ਮੋਸਟ ਫੋਰਮੇਟਿਵ ਈਅਰਸ ਆਫ ਵਨਸ ਲਾਈਫ। ਸਕੂਲ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ
या ज्यादा जीवन उत्थे बिताया जाता है वो साडा दूजा घर बन जाता है। चौथा, व्हाटएवर आई बिकम आई विल ट्राई टू मेक डैश फॉर माई स्कूल, जो भी बना मैं स्कूल लई मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि योगदान पाना चाहता। माई स्कूल हैज मेड मी हु आई एम, स्कूल ने ही मैनू बनाया जो मैं हैगा या हैगी हाँ। आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, मस्ट भी नहीं आएगा, आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। आई मस्ट प्लेज दैट नो मैटर हाउ बिग आई बिकम, इतने आएगा, मैं अज शपथ लेंदा भी भावे किन्ना भी वड्डा बन जा मैं, आई वुड नेवर फॉरगेट माई स्कूल, मैं अपने स्कूल नू कदे नहीं भुलांगा। आई वुड ऑलवेज मेक अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एंड टू माई स्कूल, मैं हमेशा अपने समाज या स्कूल दे लई एक वड्डी महत्वपूर्ण योगदान जरूर पावांगा। अगे, टीचर्स फ्रॉम माई बिलव्ड स्कूल आर माई डैश एंड दे हैव गाइडेड मी इन डैश। टीचर्स फ्रॉम माई बिलव्ड स्कूल आर माई फ्रेंड्स एंड दे हैव गाइडेड मी इन एवरी सब्जेक्ट एंड फेजेज ऑफ लाइफ, उन्होंने मैनू हर विषय दे विच ते जिंदगी दे हर पड़ा ते गाइड कीता है। इत्थे मैं इहदा आंसर लिखिया है, टीचर्स आर एडुकेटर्स, तुसी इत्थे माई फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, एडुकेटर्स भी लिख सकते हो, हु इंस्पायर अ चाइल्ड टू ग्रो एंड एक्सेल, जिहड़े अध्यापक हुंदे ने ओह बच्चे नूं अगे वधन ते उद्यम करन दे लई प्रेरित करदे ने। टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन फाइंडिंग अ वे, जे मुश्किल विच फस जांदे हो तां अध्यापक ही तुहाडी मदद करदे ने। टीचर्स गाइड अ चाइल्ड इन टू द राइट पाथ रादर दैन गिविंग दैम अ कंप्लीट सोल्यूशन, मान लो तुसीं कितें फस गए हो तां ओह तुहानूं रस्ता दिखाउंदे ने, सिद्धा तुहानूं सोल्यूशन नहीं दसदे। स्टूडेंट्स टू मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स बिकॉज दे आर द वंस हु मेक देयर लाइफ, ते जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं भी अध्यापकां दी कदर सत्कार करना चाहिदा है क्योंकि ओही हन जो कि उन्हां दी जिंदगी बनाउंदे ने। अगे चलते ने, अंडर द गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द टीचर द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली फील द लव फॉर देयर स्कूल थ्रू द अबव रोल प्ले, अध्यापक दी रहनुमाई ते प्रेरणा हेठ विद्यार्थी उपरोक्त जिहड़ा रोल प्ले सी उस राही निश्चित तौर ते अपने स्कूल प्रति प्यार महसूस करनगे। दे विल कंसिडर एवरीथिंग इन द स्कूल एज देयर ओन प्रॉपर्टी एंड प्लेज टू टेक केयर ऑफ इट, ओह स्कूल दी हर चीज़ नू अपनी समझनगे ते उसकी संभाल करन दी भी जिम्मेदारी लैणगे। अगे चलते हैं, इतने एक होर एक्टिविटी दी हुई है, द क्लास विल बी डिवाइडेड इन टू थ्री डिफरेंट ग्रुप्स, क्लास में तीन वक् वक् ग्रुप दे विच डिवाइड किया जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स विल हैव टर्न्स विजिटिंग एनी वन एरिया ऑफ द स्कूल इन द 5 मिनट्स अलॉटेड बाय द टीचर, ते हरेक ग्रुप नूं एक थां ते जाण लई कहा जाएगा, उन्हां नूं उत्थे जाण दे लई 5 मिंट दिते जाणगे, उत्थे जाणा जिथे टीचर दसणगे तुहानूं, एंड विल रिटर्न आफ्टर कैरिंग आउट एनी वन एक्टिविटी दैट वुड रिफ्लैक्ट लव फॉर देयर स्कूल, ते थल्ले जिहड़ी एक्टिविटी दिती हुई है उन्हां विचों कोई एक गतिविधि करके आणगे तां कि ओह दर्शा सकण कि उन्हां दा स्कूल प्रति किन्ना प्यार हैगा। The three groups will then discuss in 50 words the work done in their respective groups. Teacher जो भी गतिविधि देंगे वो फिर बाद च डिस्कस करेंगे 50 वर्ड्स दे विच आपस दे विच, हुण कैनियां गतिविधियां दित्तियां जा सकदियां ने, टीचर अपने हिसाब नाल भी दे सकदे ने, उस तो इलावा इत्थे लिखियां गईयां ने। द टीचर कैन ऑल्सो सुजेस्ट सम एक्टिविटीज रिफ्लैक्टिंग लव फॉर वन स्कूल, अध्यापक इन्हां विचों भी गतिविधियां दस सकदे ने जो कि दर्शाउंदा है स्कूल दे लई प्यार। दे आर एज फॉलोज, जिवें थल्ले दित्तियां होईयां ने, पहला, टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स बल्ब्स रनिंग फैन्स मोटर्स एक्सेट्रा, बेलोड़ी लाइटां बल्ब चल रहे होर पखे या मोटरां उन्हां नूं बंद कर दो क्योंकि उहदी लोड़ नहीं है। सेकेंड कम, वॉटरिंग प्लांट्स गार्डन, गार्डन च जाके पानी देना। तीजा, एंटर द स्कूल आफ्टर बाउइंग
देयर हेड रिस्पेक्टफुली एट द मेन एंट्रेंस। जिवें आपां मंदिर च जांदे आ तां सर झुकांदे आ ना, उवें ही स्कूल च एंटर होण तों पहलां ही तुहानूं सर झुकाना चाहीदा है। कीप एनी स्कैटर्ड स्कूल सप्लाइज इन अ सूटेबल प्लेस। कोई भी खिलरी हुई जिहड़ी चीज़ हैगी है जो स्कूल दी हैगी है, उहनूं उहदी सही थां ते लगा के आना। जिवें कई बार सवेरे सवेरे अखबार सिट जांदे ने, उह खिलर जांदे ने, उहनां नूं चंगे ढंग दे नाल उहनां दी थां ते रखना। पंजवां, क्लोज एनी वाटर टैप रनिंग अननेसेसरीली। जे कोई बेलोड़ी टूटी चल रही है जिहदी लोड़ ही नहीं है, उहनूं बंद करना। After the activities, the students will answer the following questions in worksheet 2। इन्हां गतिविधियां तो बाद ये सवालों के जवाब देने ने। पहला, शेयर एन अनफॉरगेटेबल मेमोरी दैट शोज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर स्कूल। एक अभुलण वाली याद नूं सांझा करो जो ये दसदी है भी थोड़ा थोड़े स्कूल प्रति किन्ना प्यार ते सत्कार हैगा, या वो प्यार ते सत्कार दर्शाउंदी है। इत्थे लिखी है मैं 8 चैंपियनशिप्स, यानी कि 8 बार मैं जीती या जीता। इट हैपन ड्यूरिंग माई सीनियर ईयर ऑफ हाई स्कूल। जब मैं वड्डी हो गई सी स्कूल दे विच, उदों दी गल हैगी है। आई अटेंडेड अ गवर्नमेंट कॉलेज। मैं गवर्नमेंट कॉलेज सी स्कूल पास आउट कर गई सी। इट हैपन दैट आर एनुअल गैदरिंग ते साडी सालाना जिहड़ी मीटिंग हुंदी है उहदी गल हैगी है। आई टुक पार्ट इन अ नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स। मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स दे विच हिस्सा लिया। एंड आई टुक होम 8 प्राइजेस। ते मैं किन्ने इनाम जीते? 8 इनाम। सो व्हेन इट वाज टाइम टू हैंड आउट द प्राइजेस, आई हैड टू रिटर्न टू द स्टेज सेवरल टाइम्स। ते जद इनाम लैण दी गल आंदी सी ते मैनूं बार बार स्टेज ते जाना पैंदा सी। एंड आफ्टर द थर्ड टाइम द चीफ गेस्ट स्टेटेड यू आर बैक हियर। ते जब तीजी बार होया तां जिहड़े चीफ गेस्ट सी उन्होंने मैनू कहा, अच्छा तुसी फिर वापस आ गए नाम लैण लई। आई सिंपली ग्रिंड। कहण दा मतलब मैं एक चौड़ी जी, जिवें आपां स्माइल नहीं दे दिंदे, इदां करके ओ वाली दित्ती। वेन माई नेम वॉज कॉल्ड अगेन, ते फिर जब मेरा नाम लिता गया, आई हर्ड अ शाउट फ्रॉम द ऑडियंस एंड टर्नड अराउंड टू सी माई जूनियर्स चीयरिंग एंड रिजॉइसिंग। फिर जब मेरा नाम लिता गया तां फिर मैं देखिया कि किसी ने जोर दी चीकिया कोई ऑडियंस चो, ते जिन्ने मेरे जूनियर सी मेरे तो छोटे सी, ओह बहुत मैनू खुशी महसूस हो रही सी। ओह उन्हां विच बहुत जनून सी भी मैं जित रही हाँ। आई नोटिस्ड माई HOD मैम सीटेड विद अ गेस्ट एज आई वॉज रिटर्निंग ऑफ द स्टेज। ते मैं देखिया भी मेरे हैड ऑफ डिपार्टमेंट जिहड़े हैगे ने ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਜਦ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਦ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਲੈ ਲਓ ਆਰਟਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼। I could tell she was pleased with herself. ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਟੀਚਰਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨਕਰੇਜਡ ਮੀ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ, ਬਟ ਦੇ ਆਲਸੋ ਸਪੋਰਟਡ ਮੀ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਭਾਗ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਹੈਡ ਮੇਡ ਮੀ ਹੂ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਫੋਰ ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਫੋਰ ਐਵਰ ਗਰੇਟਫੁਲ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਆਭਾਰੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਕਲੈਕਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡੀਟੇਲਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੀਟੇਲ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ, ਡਿਡ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇਅਰ ਸਕੂਲ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਇਨ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਨ ਡਿਡ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਡ, ਤਾਂ ਕਦ ਗਏ ਸੀ?
मैं इतने लिखी है यस माय पेरेंट्स विजिट देयर स्कूल आफ्टर दे पास्ड आउट, इतने आएगा विजिटेड। वी पास आउट होने तो बाद भी वो अपने स्कूल गए सी, दे विजिट हुन भी विजिट करते ने ड्यूरिंग रीयूनियंस, या तुसी लिख सकते हो अलमनाई मीटिंग, टू मीट देयर टीचर्स अपने टीचर्स नु मिलन जाते ने, एंड टू मेक डोनेशंस। कोई भी जड़ी चीज बच्चों की पई होंगी है जो साढ़े काम की नहीं होंगी तो स्कूल जाके दे आते हैं। तो इतने लिखे है माई स्कूल, वो बारे भी स्कूल बारे की चीजा है ने, की सिखाता है स्कूल सानू, लव प्यार सिखाता है, रिस्पेक्ट आदर करना, ऑनर करना, इज्जत देना, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई ते शेयरिंग एक दूजे दे नाल किवें चीजा या गल्लां सांझियां करनियां ने। द टीचर्स गाइडेंस इन दीज एक्टिविटीज विल इनक्रीज द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट एंड लव फॉर द स्कूल। इन्हां गतिविधियां विच अध्यापक दी जिहड़ी अगवाई हैगी है वो विद्यार्थियों नूं प्रेरित करेगी कि ओहो अपने स्कूल नूं होर प्यार ते सत्कार दे नाल देखण। द स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी फ्री टू शो देयर स्कूल टू देयर पेरेंट्स बाय ब्रिंगिंग दैम टू द स्कूल। ते विद्यार्थी जिहड़े हैगे ने वो स्कूल नूं इहो जिहा रिश्ता बना लैणगे स्कूल दे नाल कि अपने मापिआं नूं भी लिया के अपना स्कूल दिखाणगे। Every student should think that the school he she is attending is his her own home. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।